नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होल्कर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करता हूँ टेपोसी सेवर्स के आधार पर जो तुम्हारे यूथ बुक सॉल्यूशन के एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रतिवर्ष कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, इन पर दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ। तो यहीं पर मैं बात करूँगा इसी के अंतर्गत एक्सपेंशन स्लॉट की बात करूँगा। दोस्तों ये एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है, तो इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उन पर सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों, क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट की बात करता हूं। जैसे क्या होता है, तुम्हारे कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू में फर्दी यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो भी दोस्तों ये कंप्यूटर के जो डेटा का सीपीयू से फर्दी जो तंत्रों के अंतरण जो भी किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट होते हैं जो क्या करते हैं तुम्हारे, इन्हें हम सीपीयू से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सीपीयू और होता है तुम्हारा मॉनिटर के द्वारा जो कनेक्ट करने का काम होता है हमारा, किसके लिए होता है तुम्हारा, कंप्यूटर पोर्ट के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। जैसे मैं बात करूँ जो कंप्यूटर पोर्ट हमारे दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो सबसे पहले जो इंटरनल होता है दोस्तों, इंटरनल पोर्ट होता है जिसमें क्या होता है कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है। जैसे जैसे होता है तुम्हारा हार्ड डिस्क होता है, ड्राइव होता है, ये क्या होते हैं तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर के पार्टों को जोड़ने का काम करता है। और एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल, क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल पोर्ट होता है, इनमें क्या होते हैं तुम्हारे बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे होते हैं तुम्हारे मॉडम होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, यूएसबी होता है, ये क्या होता है तुम्हारा एक्सटर्नल पोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो टू दिया, तुम्हारा कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, यानी कंप्यूटर प्रणाली के लिए जो विस्तार क्षमता जो प्राप्त करता है हमारे होता है क्या होता है, स्लॉट होता है, क्या होता है, स्लॉट्स होते हैं। जैसे क्या होते हैं ये स्लॉट्स, जैसे कंप्यूटर द्वारा मदरबोर्ड पर लगे स्लॉट के माध्यम से हम कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार तो करते हैं, लेकिन एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम अन्य उपकरण को भी कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। ये क्या क्या होता है इसका, कंप्यूटर स्लॉट का काम होता है, जो कंप्यूटर में स्लॉट लगाई जाती है तुम्हारी उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ। एक्सपेंशन कार्ड, जो एक्सपेंशन कार्ड होता है ये क्या होता है तुम्हारा, पेरिफेरल डिवाइस में इंसर्ट किए जाते हैं। जो तुम्हारे एक्सपेंशन कार्ड होते हैं क्या, किसमें तुम्हारे इंसर्ट किए जाते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइस में इंसर्ट किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, मैं बात करता हूँ फोर, सिस्टम यूनिट, यानी बोल सकते हैं जो सिस्टम यूनिट होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा एक कंटेनर है, क्या होता है तुम्हारा सिस्टम यूनिट होता है, ये क्या होता है तुम्हारा कंटेनर होता है, जिसमें क्या होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रखे जाते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रखे जाते हैं उसे बोल सकते हैं कंटेनर। जैसे पीसी द्वारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट के नियंत्रण होते हैं। इसके पीछे का भाग से बोल सकते हैं, इसके पीछे का जो भाग से क्या होते हैं तुम्हारे कीबोर्ड, मॉनिटर होता है, माउस होता है, प्रिंटर होते हैं, आदि तारों के सहारे से जुड़े होते हैं। जो हार्ड डिस्क क्या होता है तुम्हारा, हार्ड डिस्क और जो सीडी ड्राइव तथा फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जैसे आते हैं तुम्हारे कंप्यूटर के कार्य, यार बोल सकते हैं वर्क ऑफ कंप्यूटर पर जो आधारित है, जो क्वेश्चन दिए हैं उन पर मैं चर्चा करूँगा, या बोल सकता हूँ इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, यानी कंप्यूटर तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन दिया कंप्यूटिंग, बी नंबर ऑप्शन दिया प्रोसेसिंग, और सी नंबर दिया तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, और डी दिया तुम्हारा आउटपुटिंग। यानी जो कंप्यूटर होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं कर सकता, ये क्या होते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर में स्वयं सोचने की, समझने या निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है। जबकि कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग आउटपुट प्रिंटिंग जो भी ये होती है तुम्हारे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्या होते हैं, ये कार्य होते हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग, क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से क्या बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं,
दोस्तों जो तुम्हारी अर्थमेटिक ऑपरेशन या अंक बोल सकते हैं अंकगणितीय ऑपरेशन, बी ऑप्शन दिया है लॉजिकल ऑपरेशन या बोल सकते हैं तार्किक ऑपरेशन, सी ऑप्शन दिया तुम्हारा स्टोरेज एंड रिट्रीवल या वो संचय और पुनः प्राप्ति। तो इनमें से दोस्तों ये सभी सही हैं, यानी इनमें से सभी ये क्या है तुम्हारे, ये मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी। क्या होगा दोस्तों, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करता हूँ। तो थर्ड क्या दिया है, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के चार प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है, यानी तुम्हारे जो कंप्यूटर में चार प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ डाटा को एकत्रित करना, क्या करना, डाटा को एकत्रित करना, आंकड़ा को उसे आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना और आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा को निर्गमन करना है। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें दोस्तों, सी होगा। लेकिन क्या करता है कंप्यूटर होता है दोस्तों, अथवा सूचनाएं जो तुम्हारे आंकड़ों अथवा बोल सकते हैं सूचनाएं को स्टोर करता है, न कि विश्लेषण करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको पता होगा कंप्यूटर द्वारा तुम्हारा तस्वीरें लेना कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। क्या होगा, ए। लेकिन जो कंप्यूटर होता है तुम्हारा क्या गणना भी कर सकता है, तुम्हारा अंगुलियां फिंगर के छाप की पहचान भी कर सकता है और धुन संगीत तैयार भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करता हूँ। फाइव दिया तुम्हारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। दोस्तों कंट्रोल जो कंप्यूटर होता है तुम्हारा, यानी इनपुटिंग भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है, कंट्रोलिंग भी कर सकता है और आउटपुटिंग भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, यानी ये इसमें स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती, इसलिए अंडरस्टैंडिंग वाला कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है तुम्हारा, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी जो भी बुद्धि है, जैसे हमारे द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया है, जो भी हमारी एक क्या बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धि के द्वारा जो बनाया गया है, उसी के अनुसार ही तुम्हारे कंप्यूटर क्या करता है, निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता या बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया तुम्हारा, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इसमें मैनिपुलेशन को कहते हैं, यानी इसमें मैनिपुलेशन को हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेसिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग, या बोलते हैं कंप्यूटर में डेटा किसी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस स्कैनर या डिस्क से प्राप्त किया जाता है और डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। यानी कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, तो चाहे लॉजिकल हो चाहे मैथमेटिकल हो, सीपीयू में सीपीयू के क्या होते हैं एएलयू के अंतर्गत होती हैं तुम्हारी अंकगणितीय गणनाएं होती हैं, और एएलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी से उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेजा जाता है। इस प्रकार दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें होगा इसमें बी होगा, यानी प्रोसेसिंग। क्या होगा, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ तुम्हारे कंप्यूटर की विशेषता पर आधारित, किस पर करता हूँ, कंप्यूटर की विशेषता पर आधारित, या बोल सकता हूँ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर पर आधारित तुम्हारे यूथ बुक सॉल्यूशन के दोस्तों मैं एमसी क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये मोस्ट बुक बहुत बढ़िया बुक दी है तुम्हारी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम्हारे जितने भी ट्रिपल सी सिलेबस के आधार पर जो भी एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बुक है ये तुम्हारी। इनको जितने भी तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ से पेपर नहीं जा सकता तुम्हारा, जैसे मैं बोल सकता हूँ यूपीपीसीएल TG2 का पेपर तो यहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं जा सकता, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है, यानी कंप्यूटर के संबंध में क्या होता है, जैसे क्या होता है उलझनपूर्ण समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है, यानी ऐसा नहीं कर सकता, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा बी नंबर दिया तुम्हारा ऑप्शन। तो प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, स्मृति का संग्रह क्षमता अधिक होती है, और डी ऑप्शन दिया है
इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुप्रयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं सुधार नहीं कर सकता, यही नहीं कर सकता। तुम्हारा इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों? डी होगा। यानी क्या होता है, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने का और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देश या प्रोग्राम के अंतर्गत ही कार्य करता है। यह क्या होता है, अनुप्रयुक्त निर्देशों को संपूर्ण को यह स्वयं ही सुधार नहीं कर सकता। कंप्यूटर में उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती तथा स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू दिया तुम्हारा, जो तुम्हारे कंप्यूटर की विशेषता पर आधारित है। इसमें दिया तुम्हारा कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है, यानी कंप्यूटर को प्रयोग करने का दोस्तों लाभ है। इसमें कंप्यूटर बहुत तेज होता है और इसमें विशाल क्षमता का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें मुझे दिख रहा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, जैसे बी की बात करूँ तो कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे देता है जब इनपुट गलत हो, ऐसा नहीं होता है तो बी वाला तो गलत होगा। यानी सी की बात करता हूँ मैं, कंप्यूटर इम्फ्लेक्सिबल होने के लिए डिवाइसेस किए गए हैं तो ये भी गलत है। इसमें उपयुक्त में सभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्या करता है इनमें से कोई नहीं। जैसे क्या होता है, कंप्यूटर बहुत तेज होता है, इसमें विशाल क्षमता की मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों कंप्यूटर अपनी शक्ति को जो प्राप्त करता है, जो करता है तुम्हारी स्मृति से, किससे करता है? स्मृति से करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं चयनित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? सी होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर दिया है दोस्तों इसमें, यानी निम्न में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार करता है? इसके लिए लचीले व्यवहार करता है तुम्हारा क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर तो होगा तुम्हारा बहु कुशल, या बोल सकते हैं वर्सिटिलिटी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तो होगा इसमें सी होगा। जैसे सी की बात करूं, जिसे बोलते हैं दोस्तों वर्सेटैलिटी को बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर की लचीले व्यवहार को दर्शाता है ये, जैसे हमारा लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता यार एक्यूरेसी होती है तुम्हारी, विश्वसनीयता होती है तुम्हारी, अविराम होता है तुम्हारी, कंप्यूटर की क्या होती हैं ये विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। क्या होगा तुम्हारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा कंप्यूटर, दोस्तों कंप्यूटर होता है तुम्हारा, कंप्यूटर क्या करता है, आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति होती है तुम्हारी, सक्षम युक्ति होती है, आंकड़ों के विश्लेषण करने की सक्षम है तुम्हारे, पूरी गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कि हाँ ये भी है तुम्हारे सक्षम है, कभी कभी वायरस आने पर संक्रमित हो जाता है। यानी इस प्रकार दिख रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सभी ठीक होंगे। क्या होंगे ऑप्शन नंबर? इस प्रकार होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर की विशेषताएँ होती हैं आकार, जैसे बोल सकते हैं आंकड़ों डेटा को भंडार करता है, आंकड़ों डाटा को विश्लेषण करने में सक्षम होता है, पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर गोपनीयता बनाई जा सकती है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है कंप्यूटर तुम्हारा। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करता हूँ, कंप्यूटर का इतिहास पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी जो चैप्टर में करा रहा हूँ तुम्हारी कंप्यूटर का विकास, या बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पर आधारित जो दिए गए क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा यूथ बुक सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर, जो यूथ बुक सॉल्यूशन का तुम्हारा चैप्टर है टू, उस पर मैं चर्चा करूँगा जो भी तुम्हारे यूथ बुक सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं। संसार का पहला गणक यंत्र है दोस्तों, संसार का सबसे पहला जो गणक यंत्र है, जब बोल सकते हैं तुम्हारे, इसका प्रयोग क्या हुआ, आंकी गणना के लिए किया गया, इसका आविष्कार चीन में हुआ दोस्तों। सबसे पहले यही पूछ लेता है तुम्हारे, कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ, और चीन में तो हुआ, इसके साथ साथ सबसे पहले जो कंप्यूटर है तैयार किया गया था वो क्या था तुम्हारा? एबेकस। क्या था तुम्हारा? एबेकस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए होगा। क्या होगा? ए। या संसार का पहला गणक यंत्र क्या था तुम्हारा? एबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, में बात करता हूँ
टू, क्वेश्चन नंबर टू दिया तुम्हारा, प्राचीन गणितीय गणना के आधार के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है, यानी प्राचीन जो गणितीय गणना की जाती थी दोस्तों के लिए इस्तेमाल साधन था हमारा क्या था, एबेकस। सबसे पहले जो कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो संसार का पहला जो गणक यंत्र बनाया गया था एबेकस, वही था तुम्हारा प्राचीन काल में जो गणितीय गणना के लिए प्रयोग किया जाता था। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया तुम्हारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया तुम्हारा, ये दिया तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है। दोस्तों मैंने बताया था, इससे पहले भी बता दिया, तुम्हारी थ्योरी की वीडियो भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो, और तुम्हारी एम की क्वेश्चनों की, यानी जो भी तुम्हारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द की तुम्हारे लिए एक लैटिन भाषा से है तुम्हारा, किससे है तुम्हारा, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से व्युत्पन्न हुआ है तुम्हारा, जिसका अर्थ है गणना करना। दोस्तों कंप्यूटर का जो भी तुम्हारा जो इसका अर्थ होता है, गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा, क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का जो दोस्तों आविष्कार किया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एम पी पी सी एस प्री जी एस 2005, 2006 एम पी पी सी एस सी प्री में जी एस 2000 में आया तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें क्या था तुम्हारा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा, क्या होगा वो दोस्तों, बी होगा। जैसे मैं बात करूं, जो जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, इसमें जो मार्कोनी है, जिसके मार्कोनी ने क्या किया था, रेडियो का आविष्कार किया। और जो जैसे मैं बात करूं, अलेक्जेंडर था तुम्हारा, अलेक्जेंडर ग्राहक बेल ने क्या किया, टेलीफोन, किसका किया तुम्हारा, टेलीफोन का खोज की थी इसने। और जैसे मैं बात करूँ, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया तुम्हारा, कंप्यूटर का जनक माना जाता है इसे, क्या जाना था तुम्हारा, कंप्यूटर का जनक, या बोल सकते हैं जो तुम्हारी एमली वांडन ने तुम्हारा इसमें जो टेलीफोन, एक एमली वांडन ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, किसका किया तुम्हारा, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दोस्तों चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिवाइस किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा जो प्रथम जो डिजाइन किया गया था तुम्हारा यांत्रिक कंप्यूटर, ये क्या कहलाता है तुम्हारा, ये होता है दोस्तों एनालिटिकल इंजन, कौन सा था तुम्हारा, एनालिटिकल इंजन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा, क्या होगा, बी। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, तो इसी क्वेश्चन में जैसे दोस्तों मैं बात करूँ, जैसे जैसे दिया इसमें जो ब्रिटिश गणितज्ञ, जो ब्रिटिश का जो तुम्हारा गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में, दोस्तों कौन से में तुम्हारे, 1822 में, इसमें तुम्हारा 1822 में डिफेंस इंजन, कौन से के तुम्हारा है? जो डिफेंस इंजन है तुम्हारा, जो आप बोल सकते हैं इसे, जो डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था। जैसे तुम्हें पूछ ले कहीं कहीं डिफेंस इंजन था, क्या उसका था तुम्हारा, डिफेंस इंजन, डिफेंस, क्या बोल सकता हूँ इसे, डिफेंस इंजन किसमें किया था तुम्हारा, जो चार्ल्स बेबेज ने तुम्हारा ये किया था 1822 में, किसमें किया था तुम्हारा, 1822 में। जैसे डिफेंस इंजन है तुम्हारा, ये क्या था, भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक एटोमेटिक, या बोल सकते हैं एनालिटिकल इंजन बनाया, कैसा बनाया तुम्हारा, 1842 में तुम्हारा चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया, जो तुम्हारा इंजन बनाया, जो पंचकार्ड की दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता था, किसके दिशा निर्देश अनुसार करता था, पंचकार्ड के निर्देशानुसार कार्य करता था। जैसे तथा मूलभूती अंकगणितीय गणना भी कर सकता था, ये जो भी तुम्हारी गणना होती है तुम्हारी, उन्हें भी छोटी मोटी गणनाओं को आसानी से कर सकता था ये। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर जब हो सकते हैं पहला कंप्यूटर बनाया गया था, दोस्तों जो पहला कंप्यूटर बनाया गया तुम्हारा, ये बनाया गया था तुम्हारा विल क्विंटन द्वारा, किस चार्ल्स बेबेज द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो बनाया गया था। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में दोस्तों, इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं बात करूँ, पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय तो चार्ल्स बेबेज को दिया,
कंप्यूटर के विकास की दिशा प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था जिसके मुख्य तीन भाग, कितने भाग थे इसके, तीन भाग थे। एक था तुम्हारा संग्राहक बोलते हैं स्टोर, और एक थी तुम्हारी चक्री तथा नियंत्रण कंट्रोलर थे। इस प्रकार इसमें जो तीन भाग थे दोस्तों, एक था हमारा स्टोर था, दूसरा था हमारा चक्री तथा क्या था, एक कंट्रोलर था। बेवेज यानी जो तुम्हारा चार्ल्स बेवेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर इसके कंप्यूटर के निर्माण की दिशा में नए मार्ग का प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जनक सभी को पता होगा ही किसको किया जाता है, तुम्हारा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी। यानी जो तुम्हारा एक अंग्रेज था दोस्तों, चार्ल्स बेबेज क्या तुम्हारा अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बेबेज था ये तुम्हारा, जिसने 1822 में दोस्तों ये किसमें किया था तुम्हारा 1822 में तुम्हारा ये डिफेंस इंजन किसकी खोई गई, तुम्हारी डिफेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। सबसे पहले बनाया था तुम्हारा क्या, कौन सा बनाया था तुम्हारा डिफेंस इंजन बनाया था, मैंने इससे पहले बताया था। इसके बाद कौन सा बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया इसने, जो तुम्हारा ये बोल सकता हूँ कि चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या बोल सकते हैं कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है तुम्हारा चार्ल्स बेबेज को ही किया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी। या बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे ये देखो SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में क्वेश्चन आया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, यहाँ कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहा जाता है। ये देखो ये उत्तराखंड UDA में LDAP 2006 में आया था, 3 वर्ष के आधार पर किसे कहा जाता है, तुम्हारे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर